हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द एमवाइब। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है एमवाइब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का वेलकम, आप सभी का स्वागत। तो जितने भी लोग यहां पर सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, सभी को वेलकम और सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग रेडी हैं सेशन के लिए? दिन से यस की यस सर, वी आर रेडी, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो एक बार यस लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, और एक बार लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि यस रेडी है या आई एम रेडी। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखकर जरूर बता दीजिएगा कि यस सर आई एम रेडी। तो हम लोग फिर सेशन को शुरू करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो डेली बेसिस पर इस सेशन का हिस्सा आप लोग यहां पर बनते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को यहां पर पता होगा कि डेली बेसिस पर हम यहां पर सेशन की शुरुआत मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के साथ करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट आप सभी के सामने है, लिखा हुआ है कि होप इज नॉट अ ड्रीम बट अ वे ऑफ मेकिंग ड्रीम्स बिकम रियलिटी। उम्मीद जो आपकी यहाँ पर होती है ना, बेसिकली उम्मीद जो आपकी यहाँ पर है, उम्मीद केवल एक सपना नहीं होता, ठीक है। जैसे ड्रीम हम देखते हैं रात में सोते वक्त, हम जो सपने देखते हैं, तो उम्मीद जो आपकी होती है, अब देखिए उम्मीद केवल कोई रियलिटी तो होती नहीं है। उम्मीद केवल एक अनुमान होता है कि हाँ ऐसा होगा और मुझे इस बात की उम्मीद है। तो उम्मीद कोई सपना नहीं है, उम्मीद एक विश्वास होता है, उम्मीद एक पावर होती है। मैं तो ये कहूंगा कि उम्मीद एक पावर होती है, आपको कभी भी उम्मीदें छोड़नी नहीं चाहिए। दुनिया में अगर मैं बात करूं ना, कि दुनिया अगर किसी भी चीज पर टिकी हुई है या सपने अगर किसी भी चीज पर टिके हुए हैं ना, तो वो है केवल उम्मीद। अगर उम्मीद ना हो ना, या आप अगर उम्मीद हार जाएं, तो आप कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। बड़े बड़े महान वैज्ञानिकों ने उम्मीद के बल पर ही अपने प्रयोगों को सफल बनाया। आपको उम्मीद होती है कि नहीं मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा, मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मैं जो परिश्रम कर रहा हूं, मैं जो स्टडी कर रहा हूं, मैं जो नॉलेज गेन कर रहा हूं, रोज मैं जो स्टडी कर रहा हूं, एक ना एक दिन मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, एक ना एक दिन मुझे अपने सपनों की जॉब मिल जाएगी जो मैं चाहता हूं। तो आप लोग भी यहां पर एक तरीके से उम्मीद पर ही टिके हुए हैं। और अगर उम्मीद ना हो ना, तो जीवन में आप जो भी कुछ करेंगे ना, उसमें आपको कुछ फील नहीं होगा। मतलब इट मींस कि आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर आपको पता है कि नहीं इस काम में उम्मीद ही नहीं है, या ये काम हो ही नहीं सकता, इसकी उम्मीद बहुत कम है, या अगर आप उस काम से कोई उम्मीद रखते ही नहीं है। आपने लोगों को देखा होगा जिस काम के सफल ना होने की उन्हें उम्मीद नहीं होती, वो काम लोग किस तरीके से करते हैं, बिना एनर्जी के, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले उस काम को बस कर देते हैं, क्योंकि उस काम को करना है। लेकिन अगर उम्मीद है कि नहीं ये काम सफल होगा, इस काम से कुछ बेहतर होगा वगैरह वगैरह, तो फिर उस काम को और बेहतर तरीके से किया जाता है, एक एनर्जी के साथ किया जाता है। हम सबको उम्मीद थी कि भारत क्रिकेट विश्व कप जीते था, उम्मीद लेकर ही हम लोग स्टेडियम में गए थे। एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही एटमॉस्फेयर था। वो एक अलग बात है कि खेलों में हार जीत लगी रहती है, टीम को हार मिली कोई बात नहीं, फाइनल में कोई ना कोई टीम जीतती या कोई ना कोई टीम हारती, ठीक है। लेकिन जो उम्मीद थी वो सबसे बड़ी थी, और उम्मीद के बल पर ही दुनिया कायम है। तो उम्मीद मत छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और इस मोटिवेशन कोट ऑफ द डे के साथ। और आपको यहाँ पर हम ये भी बता दें कि दोपहर में जो हमारे सेशन यहाँ पर एमवाइब एप्लीकेशन पर होते हैं, तो एमवाइब एप्लीकेशन की क्लासेस के बारे में फटाफट से समझ लीजिएगा कि सबसे जरूरी क्लास जो आपके यहाँ पर 1 PM पर होगी। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पूरी की पूरी सीरीज यहाँ पर चला रखी है, और ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी बनती है मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज। और मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में अभी अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और आज इसका पार्ट नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 इसका आज यहाँ पर डिस्कस होगा, देन उसके बाद पार्ट 5 और नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स उसके बाद आपकी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स उसके बाद। तो अभी हम लोग मंथली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है मेरी बात?
नाउ साउंड इज ओके देन से यस कि हाँ अभी थोड़ा बेटर है, तो एक बार लिखकर बताओ कि हाँ अभी थोड़ा बेटर है साउंड। अभी साउंड ओके हो तो एक बार यस लिखकर बताओ कि हाँ अभी साउंड थोड़ा ओके है। बेटर है फिर भी आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन शुरू करते हैं। 3 PM पर हम लोग यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। YouTube पर दोपहर 3 बजे मिलिट्री एक्सरसाइजेस पार्ट नंबर 2 का डिस्कशन होगा। पार्ट नंबर 1 कल डिस्कस हो चुका है, पार्ट नंबर 2 का डिस्कशन आज करेंगे दोपहर 3 बजे। ठीक है, क्लियर है। ये रहा आपका कंप्लीट क्लास स्केड्यूल। YouTube की अगर हम लोग बात करें तो YouTube पर डेली बेसिस पर कौन कौन सी क्लासेस होती हैं उनका कंप्लीट स्केड्यूल आपके सामने है। ठीक है, और इसके बाद एम्बाइब एप्लीकेशन का कंप्लीट स्केड्यूल कि एम्बाइब एप्लीकेशन पर कौन कौन सी क्लासेस आपकी यहाँ पर चलती हैं उसका स्केड्यूल भी आप सभी के सामने है। चलिए तो अब करते हैं सेशन की शुरुआत। ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था 29th of November तक का इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसमें है, आज का बाकी है। तो आज का हम लोग कल इसको डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग डायरेक्ट न्यूज वाले पार्ट पर आकर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के सामने ये रही, एशियाज लार्जेस्ट। एशिया हम सभी जानते हैं कि एशियन कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और एशियन कॉन्टिनेंट का भी सबसे बड़ा एशियाज लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर। ओपन एयर का मतलब है खुले आसमान के नीचे। ठीक है, ओपन एयर का मतलब हो जाएगा खुले आसमान के नीचे ये ट्रेड फेयर आपके यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ओपन एयर खुले आसमान के नीचे ओपन एयर ट्रेड फेयर, यानी कि ये बेसिकली व्यापार मेला आपके यहाँ पर बनेगा जिसका नाम है बाली यात्रा इनॉग्रेटेड ऑन दी बैंक्स ऑन दी महानदी रिवर इन कटक उड़ीसा। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर ट्रेड फेयर बाली यात्रा, इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन महानदी पर, महानदी रिवर के किनारे कटक उड़ीसा में आपका इसका इनॉग्रेशन आपके यहाँ पर किया गया है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस माइक के अंदर किसी की आत्मा घुस गई है। जब मैं बोलता हूँ तो मेरे साथ वो भी बोलती है, और जब मैं नहीं बोलता तो मेरे साथ वो भी साउंड शांत हो जाती है। अब बस एक दो दिन का और आप लोग इंतजार कर लो। ठीक है, जल्द ही इसी वीक के अंत तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एशियाज लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर दी बाली यात्रा कमेमोरेटिंग दी ग्लोरियस एंशियंट मैरीटाइम लेगेसी ऑफ उड़ीसा वाज इनॉग्रेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ दी रिवर महानदी इन कटक। महानदी जो नदी है कटक उड़ीसा में, अगर महानदी की मैं बात करूं तो महानदी पर एक बहुत ही फेमस डैम आपका मौजूद है। क्या आप मुझे उस डैम का नाम बता सकते हैं कि महानदी रिवर पर मौजूद जो प्रसिद्ध बांध है उसका नाम क्या है? फटाफट से लिखकर बताइएगा। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर यानी कि खुले आसमान के नीचे हर साल लगने वाला ये ट्रेड फेयर है, व्यापार मेला है, बाली यात्रा इसको कहते हैं, जो कि किस याद में या किस लिए आयोजित किया जाता है? उड़ीसा के गौरवशाली इतिहास और प्राचीन समुद्री विरासत की याद में हर साल इसका आयोजन महानदी रिवर के तट पर कटक उड़ीसा में किया जाता है। कटक सिटी को आपका यहाँ पर, जो कटक सिटी आपकी यहाँ पर बनती है, इस सिटी का एक निकनेम भी है, तो वो निकनेम भी मुझे लिखकर बताएगा। हीराकुड डैम की बात करें, भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम जो आपका बनता है हीराकुड डैम, वो आपका महानदी पर लोकेटेड है। और कटक उड़ीसा की अगर मैं बात करूं, इस शहर को किस निकनेम से जाना जाता है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा सभी लोग फटाफट से। क्लियर है मेरी बात? आगे बात कर लेते हैं इस न्यूज के बारे में।
दिस ईयर द फेस्टिवल स्टार्टेड ऑन द ओकेजन ऑफ द कार्तिक पूर्णिमा. इस साल ये फेस्टिवल कार्तिक पूर्णिमा के ओकेजन पर शुरू हुआ एंड विल कंटिन्यू टिल द दिसंबर 4 और 4 दिसंबर तक ये कंटिन्यू रहेगा अगले महीने. तो अभी 4 दिन और बाकी है. जो लोग उड़ीसा में हो या जो लोग कटक सिटी के आसपास हो, भाई आप लोग ये मेला देखने जरूर जाइएगा. 4 दिसंबर तक ये मेला आपके यहाँ पर लगा हुआ है. कल्चरल ट्रूप्स ऑफ फ्रॉम अक्रॉस द उड़ीसा. उड़ीसा राज्य के अंदर जो अलग अलग स्टेट से लोग हैं या फिर अलग अलग फोक डांसेस परफॉर्म करने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर लिखा है एंड अदर स्टेट्स विल परफॉर्म. जैसे कि उड़ीसी नृत्य को परफॉर्म करने यहाँ पर डांसर्स आएंगे, छाऊ नृत्य को परफॉर्म करने यहाँ पर आएंगे, बिहू नृत्य यहाँ पर परफॉर्म होगा, महारी नृत्य परफॉर्म होगा, गोटीपुआ नाम का नृत्य परफॉर्म होगा, संबलपुरी नृत्य है, संथाली फोक डांस यहाँ पर परफॉर्म होगा एंड अदर डांसेस इन द इवनिंग्स ऑफ द फेयर ग्राउंड. तो शाम को यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो लोक नृत्य होते हैं उन लोक नृत्यों को भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा. ठीक है, उन लोक नृत्यों को भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा. ठीक है भाई, क्लियर है मेरी बात? तो बस इतना याद रखना है कि हाँ, उड़ीसा के कटक में आपके यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा खुले आसमान के नीचे ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर बाली यात्रा की शुरुआत हो चुकी है. 4 दिसंबर तक ये ट्रेड फेयर आपका चलेगा. ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा. ठीक है, क्लियर है. आगे बात कर लेते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी इंडिगो एयरलाइंस को लेकर. इंडिगो एयरलाइंस ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है एआई चैटबॉट को टू हेल्प द कस्टमर्स विद द फ्लाइट टिकट बुकिंग. जो लोग फ्लाइट की टिकट बुक करना चाहते हैं तो बेसिकली उन्हें एआई चैटबॉट हेल्प करेगा. जैसे कि व्हाट्सएप पर होता है, जैसे कि आप लोगों ने व्हाट्सएप पर देखा होगा या फिर कई वेबसाइट्स पर देखा होगा, चैटबॉट होता है. चैटबॉट में पहले से कंप्यूटराइज इनबिल्ट क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, तो वहां पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं. जो पहले से एफएक्यूज नहीं होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो पहले से उसमें इनबिल्ट रहते हैं. जैसे कि आपने कई बार, जैसे कि व्हाट्सएप पर आपने जियो का चैटबॉट देखा होगा, व्हाट्सएप पर आप जाते हैं जियो वाला चैटबॉट रहता है, उस पर आप टिक करते हैं तो वो आपको चैटबॉट अपने हिसाब से चीजें बताने लग जाता है, राइट. इसी तरह से बहुत सारे बैंकों की वेबसाइट्स हैं और एप्लीकेशंस हैं जहां पर चैटबॉट यूज होता है. चैटबॉट बेसिकली कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर होता है जिसमें पहले से एफएक्यूज डाले गए होते हैं और उन्हीं के हिसाब से वो आपको रिप्लाई वगैरह करता है. ठीक उसी प्रकार इंडिगो ने भी यहाँ पर अब एआई का इस्तेमाल करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इंडिया लीडिंग कैरियर की अगर हम बात करें, क्योंकि भारत में अगर हम बात करें डोमेस्टिक पैसेंजर्स को लाने और ले जाने की, तो इंडिगो एयरलाइंस यहाँ पर भारत में इस बात में अगर मैं बात करूँ तो लीडिंग पोजिशन पर है. डोमेस्टिक ट्रेवल में जो लीड करने वाली कंपनी है वो इंडिगो एयरलाइंस है. हैज रिसेंटली लॉन्च एन एआई चैटबॉट. इसने अभी रिसेंटली एक एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है. ठीक है, 6ES इसका नाम, जो इस चैटबॉट का नाम बनता है वो है 6ESKY. इसका नाम है 6ESKY, पावर्ड बाय द ग्राउंड ब्रेकिंग चैट जीपीटी 4 टेक्नोलॉजी. तो चैट जीपीटी 4 आया था, तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो आपका चैट बॉट है वो चैट जीपीटी की 4 टेक्नोलॉजी से ही इनबिल्ट है. ठीक है, डेवलप्ड इंटायरली इन हाउस बाय द इंडिगोज डिजिटल टीम. इस चैट बॉट को पूरी तरह से, इस चैट बॉट को पूरी तरह से इंडिगो जो कंपनी है उनकी डिजिटल टीम ने बनाया है. हमने कोई फॉरेन हेल्प इसमें नहीं ली है. टू क्लोज कोलैबोरेशन विद दी माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया. द एआई चैटबॉट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द एयरलाइन. कुल मिलाकर जब आप इंडिगो एयरलाइंस पर टिकट बुक करने जाएंगे तो ये चैटबॉट आपकी हेल्प करेगा टिकट बुकिंग में, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनको दूर करने की कोशिश यहाँ पर ये करेगा. तो इस चैटबॉट से आपको हेल्प मिलेगी. चैटबॉट का नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा. इंडिगो कंपनी ने अभी रिसेंटली विमानन इतिहास का सबसे बड़ा विमान ऑर्डर भी आपके यहाँ पर दिया था. आपको याद होगा कि करीब 500 विमान खरीदने का करार, 500 विमान खरीदने का ऑर्डर इंडिगो कंपनी ने आपके यहाँ पर दिया था. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस कंपनी से 500 विमान खरीदने का करार या फिर ऑर्डर इंडिगो कंपनी ने आपके यहां पर दिया था? तो लिखकर मुझे यहां पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आगे बात कर लेते हैं. इट एफिशिएंटली एड्रेसेस द कस्टमर क्वेरीज. ये जो चैटबॉट आपकी यहां पर है, ये कस्टमर क्वेरीज यानी कि जो ग्राहकों की क्वेरीज हैं, समस्याएं हैं, ये 10 अलग अलग भाषाओं में इन 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको यहां पर क्या करता है, एड्रेस करता है. And offers a first of a kind platform for booking tickets across the entire network.
10 अलग अलग भाषाओं में कस्टमर की क्वेरीज को रिजॉल्व करता है एंड ऑफर ऑफर करता है। अ फर्स्ट ऑफ अ काइंड प्लेटफॉर्म, ये अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है इंडिया में अगर हम बात करें एयरलाइंस कंपनी का, फॉर बुकिंग टिकट्स, टिकट्स को बुक करने के लिए अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क। ठीक है, विद दिस ब्रेक थ्रू इंडिगो बिकम्स अमंग द फर्स्ट फ्यू एयरलाइंस इन द रीजन टू हार्डनेस कटिंग एज AI टेक्नोलॉजी टू एनहेंस द कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से इंडिगो एयरलाइंस कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन में उन कुछ एयरलाइंस में से एक बन गई है जिसने सबसे लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के लिए किया है। तो ये अब कुछ कंपनियों में से एक है कि जो AI का इस्तेमाल कर रही हैं, AI को यूज कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, कंट्रीज फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसे एस्टैब्लिश किया जाएगा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। कहाँ एस्टैब्लिश किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इसे एस्टैब्लिश किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट, द कंट्रीज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। हालिया घोषणा के अनुसार देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेलीकॉम ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आपका स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अभी स्थापित हुआ नहीं है, इसको स्थापित किया जाएगा। इट्स फाउंडेशन विल बी लेड ऑन द 5th of December 2023। इसके कंस्ट्रक्शन को शुरू करने के लिए जो फाउंडेशन स्टोन है वो 5 दिसंबर 2023 को आपके यहाँ पर रखा जाएगा। 5 दिसंबर 2023 को इसका फाउंडेशन स्टोन आपके यहाँ पर रखा जाएगा और इसका कंस्ट्रक्शन वहां से स्टार्ट हो जाएगा। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस सेंटर हैज रिसीव्ड द अप्रूवल ऑफ द उत्तर प्रदेश कैबिनेट। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए जो अप्रूवल है वो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश कैबिनेट से इसका अप्रूवल आपके यहाँ पर मिल गया है। हियर रिसर्च विल बी डन ऑन कनेक्टिंग 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड 6G। तो ये जो आपका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपके यहाँ पर ये बनेगा ना, तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिकली 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च वगैरह करने के लिए यहाँ पर हेल्प करेगा। तो 5G टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेलीकॉम सेक्टर में किस तरीके से किया जा सकता है, इस सब पर रिसर्च करने में ये हेल्प करेगा ये पर्टिकुलर सेंटर। क्लियर है, सभी को क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं। द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी, अब देखिए नाम ही इसका है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो कहीं ना कहीं ये जो सेंटर है, अब ये किस क्षेत्र का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है? टेलीकॉम सेक्टर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर को किस तरीके से एक्सीलेंसी की तरफ लेकर जाया जाए और बेहतर बनाया जाए और उत्कृष्ट किया जाए, बात समझ में आ रही? कैसे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेलीकॉम सेक्टर को और बेहतर बना सकते हैं, इसीलिए ये बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, बेहतर चीजों का इस्तेमाल करके टेलीकॉम सेक्टर को और बेहतर बनाएगा, इसके लिए वर्क करेगा। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी बिल्ट एट द सहारनपुर कैंपस ऑफ IIT रुड़की। बनेगा कहाँ पर? तो सहारनपुर में बनेगा। सहारनपुर में कहाँ बनेगा? तो सहारनपुर में जो IIT रुड़की आपकी लोकेटेड है, तो IIT रुड़की के कैंपस में आपके यहाँ पर बनेगा, जिस पर करीब 30 करोड़ रुपए आपके यहाँ पर खर्च होंगे। ठीक है, दिस इनिशिएटिव विल प्रमोट इनोवेशन एंड ग्रोथ इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। तो इसके एस्टैब्लिश होने के बाद जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर आपके यहाँ पर बनता है, उस सेक्टर में कहीं ना कहीं इनोवेशन, ग्रोथ, बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इन सब को लाने में हेल्प आपके यहाँ पर मिलेगी। हमारे देश के टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक रेगुलेटिंग बॉडी है, जिस तरीके से RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के सभी बैंकों को और देश के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, ठीक उसी प्रकार IRDAI यानी कि IRDAI तो इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल और रेगुलेट करेगा, टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए बनेगा आपके यहाँ पर ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म बनता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राई? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बनता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, ये बनेगा इंश्योरेंस कंपनियों को कंट्रोल और कंट्रोल वगैरह करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की।
तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे यहाँ पर बनती है वो ये रही। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है नई दिल्ली से, न्यू दिल्ली गियर्स अप फॉर द इनॉग्रल खेलो इंडिया पैरालंपिक खेलो इंडिया पैरा गेम्स शेड्यूल फ्रॉम द 10th ऑफ दिसंबर टू 17th ऑफ दिसंबर 2023। पैरा गेम्स का मतलब बेसिकली ये होगा कि ये गेम्स जो आपके यहाँ पर होते हैं वो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होते हैं, विकलांग खिलाड़ियों के लिए होते हैं। इसी तरह ओलंपिक्स में भी पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं जो कि दिव्यांग या विकलांग खिलाड़ियों के लिए होते हैं। तो द ऑफिशियल मस्कट ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 इज उज्ज्वला। नाम यहां पर याद रखिएगा कि जो ऑफिशियल मस्कट बनता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का, उसका नाम है उज्ज्वला। इज लिवली स्पैरो इंट्रोड्यूस टू सिंबोलाइज द स्पिरिट एंड एनर्जी ऑफ अपकमिंग इवेंट। तो बेसिकली ये एक चिड़िया है स्पैरो, ये बेसिकली आपकी एक चिड़िया है स्पैरो है जिसको यहाँ पर यूज किया गया है एज अ ऑफिशियल मस्कट, राइट। तो ये नाम याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। गौरैया जैसे हम बोलते हैं ना, ये चिड़िया गौरैया, अब तो गौरैया देखने को ही नहीं मिलती। किन किन स्टेट्स में अगर मैं बात करूं तो ये गौरैया जो है वो आपकी स्टेट बर्ड है, लिखकर मुझे बताएगा किन किन राज्यों में जो गौरैया है, किन किन राज्यों में जो गौरैया है वो स्टेट बर्ड आपकी बनती है, लिखकर बताएगा। दिस लिटिल स्पैरो इज अ सिंबल ऑफ द प्राइड ऑफ दिल्ली। दिल्ली का ये प्राइड तो है ही, दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो स्टेट बर्ड है वो गौरैया यानी कि स्पैरो आपके यहाँ पर बनती है। एंड इट्स यूनिकनेस रिफ्लेक्ट्स द डिटर्मिनेशन एंड एम्पैथी। यह छोटी गौरैया दिल्ली के गौरव का प्रतीक है और इसकी विशिष्टता और दृढ़ संकल्प और सहानुभूति को ये दर्शाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा किन किन राज्यों में जो गौरैया है स्पैरो है वो आपकी स्टेट बर्ड आपके यहाँ पर बनती है वो लिखकर मुझे बताइएगा। हाँ, 20 मार्च को स्पैरो डे मनाया जाता है। आजकल जब मैं इस समय अपने होम टाउन में हूँ, और पहले जब मैं छोटा था बचपन में तो हमारे घरों में बहुत चिड़ियाएं आती थी, घर भी काफी खुला खुला था, आंगन बहुत खुला खुला था। अभी थोड़ा सा मतलब बंद कर दिया है लेकिन आंगन पहले बहुत खुला हुआ था, आसपास बहुत ग्रीनरी थी। अब चारों तरफ मैं देखता हूँ कि हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा मैदान पड़ा हुआ था, उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, दूर दूर तक काफ़ी ग्रीनरी थी, घर कम थे ग्रीनरी ज़्यादा थी। अभी जब मैं हर बार जब वापस आता हूँ तो उस ग्रीनरी में कुछ ग्रीनरी कम हो जाती है, कुछ नए घर बन जाते हैं, और अब तो वो पूरी की पूरी ग्रीनरी आपकी गायब हो गई है। मतलब घर के चारों तरफ घर ही घर बन गए हैं। पहले जब मेरा घर था, जब हम छोटे हुआ करते थे, तो चारों तरफ मतलब बहुत ज़्यादा घर नहीं थे, घर कम थे और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, इतनी चिड़िया आती थी, इतने पशु पक्षी मतलब आते थे। अभी अगर मैं बात करूँ गौरैया देखने को ही नहीं मिलती है, दिखती ही नहीं है। ये पक्षी जो गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, इनकी संख्या कम हो रही है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि पक्षी हो गए, मधुमक्खियाँ हो गई, मधुमक्खियों का होना तो बहुत ज़रूरी है। एक रिसर्च और एक अनुमान के अनुसार अगर पृथ्वी पर सारी मधुमक्खियाँ मर गई ना तो उसके करीब 4 महीने के बाद इंसान भी मर जाएगा। रीज़न है उसके, उसके कई कारण हैं कि क्योंकि मधुमक्खियाँ कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होती हैं फलों के लिए, और मधुमक्खियों का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो परागरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें उनका इस्तेमाल होता है। अगर मधुमक्खियाँ नहीं होंगी तो समझिए कि हमारा जो फूड चेन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये सर हमारे घर की गैलरी में भी आती हैं, तो इसी तरह। और घर में बड़ा अच्छा लगता है जब गौरैया वगैरह आती है या चिड़िया आती हैं घर में चहचहाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, ची 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 ची, है ना, तो बड़ा अच्छा सा लगता था। लेकिन अभी क्या है कि बड़ा सूनापन सा लगता है, राइट। तो गौरैया जो है वो दिल्ली के गौरव का प्रतीक है, इसकी विशिष्टता, दृढ़ संकल्प, सहानुभूति। तो बेसिकली जो गौरैया है इसी को यहाँ पर पैरा गेम्स के लिए आपका क्या बनाया गया है, यहाँ पर मस्कट आपके यहाँ पर बना दिया गया है एज अ मस्कट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। उज्ज्वला इज अ रिमाइंडर ऑफ द फैक्ट दैट द स्ट्रेंथ कम्स इन मेनी फॉर्म्स एंड ह्यूमन स्पिरिट इज अनब्रेकेबल। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभकर के तौर पर जो उज्ज्वला है वो इस तथ्य की याद दिलाती है कि ताकत कई रूपों से आती है, ठीक है, और मानवीय भावना अटूट है। तो ये एक सिंबल है और एक प्रतीक के तौर पर। हाँ, ची ची, हाँ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सीधा हम लोग एमसीक्यूज पर आ जाएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज की शुरुआत यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने, आराम से रीड कीजिएगा और आंसर करना फटाफट शुरू कीजिएगा। यहाँ तक का डिस्कशन क्लियर है देन डू लाइक द सेशन और फटाफट फटाफट आंसर करना शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दीजिएगा।
सभी लोग क्या अब आप सभी के पास जो साउंड आ रहा है क्या उसमें अभी भी आवाज आ रही है? क्या साउंड अब पहले से बेहतर है? और अगर डबल साउंड आ रहा हो तो वो भी बता दीजिएगा। डबल साउंड तो नहीं आ रहा, ये तो बताओ। विच इंडियन एयरपोर्ट विल फेज आउट द गैजेट्स एंट्री सिक्योरिटी चेक सिस्टम? कौन सा भारतीय हवाई अड्डा कौन सा भारतीय हवाई अड्डा गैजेट इन ट्रे सुरक्षा प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देगा? 5 ऑप्शन सही जवाब। न्यू दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर आपके यहां पर बनेगा बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डबल वॉइस आ रही है, ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं। चलिए वही वापस साउंड पर हम आ गए हैं, जो पहले साउंड आपका था उसी वापस साउंड पर हम आ गए हैं। चलिए अब आंसर देना शुरू कीजिएगा, अगर डबल वॉइस आ रही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो करेक्ट आंसर बनेगा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गैजेट्स वगैरह को अब आपको ट्रे में नहीं रखना पड़ेगा या बहुत कम रखने पड़ेंगे। वहां पर गैजेट्स इन ट्रे सिक्योरिटी चेक सिस्टम आपके यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो आप बड़े पैमाने पर गैजेट्स वगैरह को यहाँ पर ट्रे में रखकर उसकी डिटेल चेकिंग होती थी जिसमें काफी वक्त लगता था, अब ये सिस्टम धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, फेज आउट आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड फॉर द ट्रायल रन एट द टर्मिनल 2 ऑफ द बेंगलुरुज कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर द फुल बॉडी स्कैन? फुल बॉडी स्कैन के लिए बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर ट्रायल रन के लिए किस तकनीक का उपयोग आपके यहाँ पर किया जाएगा? तो टेक्नोलॉजी का नाम यहाँ पर क्या होगा, इनमें से किस टेक्नोलॉजी या मशीन का इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2, वहां पर CTX मशीन का इस्तेमाल आपके यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वहां पर स्क्रीनिंग बेहतर तरीके से हो सके। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज टेकन ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द न्यूजीलैंड आफ्टर विनिंग अ डिसीजिव इलेक्शन विक्ट्री? निर्णायक चुनावी जीत हासिल करने के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ आपकी यहां पर ली है? 5 ऑप्शन सही जवाब। निर्णायक चुनावी जीत हासिल करने के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? 5 ऑप्शन ध्यान से रीड करिए और बताइए क्वेश्चन का सही जवाब। तो रिसेंटली न्यूजीलैंड के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ पर बने हैं वो है आपके क्रिस्टोफर लक्सन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर, क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, क्रिस्टोफर लक्सन की अगर हम लोग बात करें तो क्रिस्टोफर लक्सन हैज बीन सोन इन एज द न्यूजीलैंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ द न्यूजीलैंड? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि क्रिस्टोफर लक्सन ने हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है और निम्नलिखित में से कौन न्यूजीलैंड की राजधानी आपके यहाँ पर बनती है यह आपको बताना है। ऑकलैंड है न्यूजीलैंड की राजधानी, क्वींसटाउन है, वेलिंगटन है, नेल्सन है और फॉक्सटॉन है। 5 ऑप्शन। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो आपकी वेलिंगटन आपकी यहाँ पर बनती है। ऑप्शन नंबर सी वेलिंगटन इज द राइट आंसर हियर। न्यूजीलैंड की करेंसी आपकी बनती है डॉलर, तो ये भी साथ ही साथ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
वेयर विल इंडिया सेकेंड फ्लोटिंग सी एन जी प्लांट बी इंस्टॉल्ड, भारत का दूसरा फ्लोटिंग सी एन जी प्लांट कहाँ पर आपका स्थापित किया जाएगा, भारत का दूसरा फ्लोटिंग सी एन जी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, लखनऊ सिटी में, बनारस में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर, वेयर विल इंडिया सेकेंड फ्लोटिंग सी एन जी प्लांट बी इंस्टॉल्ड, तो इसे इंस्टॉल किया जाएगा बनारस में। पहला भारत का जो सी एन जी प्लांट था, फ्लोटिंग सी एन जी प्लांट था, वो भी बनारस में ही इंस्टॉल किया गया था, और दूसरा सी एन जी प्लांट भी बनारस में ही आपके यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द विनर ऑफ द 2023 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स विद 26 पॉइंट्स, 26 अंकों के साथ 2023 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का विजेता यहाँ पर कौन बनेगा? मैक्स वेरस्टपेन बनेंगे, चार्ल्स लेक्लर्क बनेंगे, जॉर्ज रसेल बनेंगे, सेबेस्टियन वेटल बनेंगे और लुइस हैमिल्टन बनेंगे। पांच ऑप्शन सही जवाब। हु इज द विनर ऑफ द 2023 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स विद 26 पॉइंट्स, पांच ऑप्शन सही जवाब। तो ये आपको सबको पता ही है कि हाँ भैया कि इसके लिए तो मैक्स वेरस्टपेन ही आंसर है। ठीक है, 19वीं जीत है इनकी इस सीजन की, तो मैक्स वेरस्टपेन रेडबुल की कार, नीदरलैंड कंट्री जहां से ये बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओवरऑल ये टोटल 54 जीत हासिल कर चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर इमर्जिंग द विक्टोरियस इन द 2023 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, मैक्स वेरस्टपेन मूव्ड टू विच स्पॉट अमंग द ऑल टाइम F1 रेसर लिस्ट। 2023 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में विजयी होने के बाद मैक्स वेरस्टपेन ने सर्वकालिक F1 रेसर सूची में वो किस स्थान पर आ गए हैं? टोटल रेसेस जो उन्होंने आपके यहाँ पर जीती हैं उसके हिसाब से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। सही जवाब, तो ये ऑल टाइम महान रेसर्स की सूची में तीसरे स्थान पर आ गए हैं, थर्ड पोजिशन पर आ गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि वो थर्ड पोजीशन पर आ गए हैं, ना कि फिफ्थ पोजीशन पर। इनके आगे जो है वो माइकल सुमाकर, और इनके जो आगे हैं वो है सेबेस्टियन वेटल और माइकल सुमाकर, जो इनसे आगे हैं, है ना, ये थर्ड पोजीशन पर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अंकोर वाट टेंपल इज गिवन द स्टेटस ऑफ 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट वाज बिल्ट बाय। अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8 अजूबों का दर्जा आपके यहां पर दिया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? पांच ऑप्शन। अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8 अजूबों का दर्जा या उसमें आपके यहां पर शामिल किया गया है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? पांच ऑप्शन सही जवाब। तो इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में आपके यहां पर हुआ था, और 12वीं शताब्दी में किंग सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, 12वीं शताब्दी में किंग सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण आपके यहां पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। क्लियर है? हाँ, पेम्पेई को रिप्लेस करके, इटली के पेम्पेई को रिप्लेस करके ये 8वें अजूबे में शामिल हुआ है। अगर हम अंकोर वाट टेम्पल की बात करें तो ये मंदिर किस भगवान को, किस देवता को समर्पित है? शुरुआती इनिशियल स्टेज में बात करें तो इस मंदिर को हिंदू देवता को समर्पित किया गया था, ये हिंदू गॉड को समर्पित है, और लॉर्ड विष्णु को ये समर्पित आपके यहाँ पर रहेगा, भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु को ये समर्पित है, लॉर्ड विष्णु को ये आपका मंदिर समर्पित है। और क्षेत्रफल के लिहाज से कोई इसका एरिया बता सकता है कि ये मंदिर टोटल कितने एरिया में फैला हुआ है? आप में से कोई इसका टोटल एरिया बता सकता है कि ये टोटल कितने एरिया में फैला हुआ है? क्या आप बता सकते हैं? क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। इसके बाद अभी रिसेंटली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत के बाहर, सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेंपल, ये आपका अमेरिका यूएसए में आपका इनॉग्रेट हो चुका है। और वो मंदिर किस देवता को समर्पित है या किस डाइटी को समर्पित है लिखकर मुझे बताइएगा। जो आपका अमेरिका में, जो अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर आपका यहाँ पर बना है, वो किस देवता को या डाइटी को आपके यहाँ पर समर्पित है?
वो आपका बेसिकली भगवान स्वामी नारायण को आपका समर्पित है। किसे समर्पित है? भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। इनिशियल स्टेज में ये मंदिर था और इसे बनाया भी मंदिर ही गया है, भगवान विष्णु का मंदिर, लेकिन जैसे जैसे बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ तो अभी बेसिकली इसे एक बौद्ध धर्म के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। तो ये भी साथ ही साथ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व विल बी सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण मध्य प्रदेश के किस जिले में आपका स्थापित किया जाएगा? 5 ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण यानी कि टाइगर रिजर्व किस जिले में, डिस्ट्रिक्ट में स्टेब्लिश किया जाएगा? भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, दमोह डिस्ट्रिक्ट में, रीवा डिस्ट्रिक्ट में, सागर डिस्ट्रिक्ट में या फिर पौंडरना डिस्ट्रिक्ट में? 5 ऑप्शन सही जवाब। इसे स्टेब्लिश किया जाएगा दमोह डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। क्या रिसेंटली मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने पौंडरना को नया जिला आपके यहाँ पर घोषित किया है? इसे यस और नो, यस और नो। हाँ सर, पौंडरना को और महियर को ये दो नए जिले आपके यहाँ पर बने हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये तो बनकर तैयार होगा, विल बी सेटअप यानी कि ये सेटअप होगा, अभी ये सेटअप नहीं हुआ है। इस समय, इस वक्त भारत का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, मैंने कल आपको न्यूज के डिस्कशन के दौरान बताया था, ये तो बनकर तैयार होगा, अभी ये बना नहीं है, लेकिन इस वक्त भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अकॉर्डिंग टू दी एरिया, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अकॉर्डिंग टू दी एरिया कौन सा है? इस समय भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ओके, तो इसका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व, राइट? नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व नहीं, जिम कॉर्बेट नहीं है, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व ये समय भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, अगर टाइगर रिजर्व कैटेगरी में जाएंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर हैज अप्रूव द प्रपोजल टू मर्ज द नौरा देही सेंचुरी विद द दुर्गावती सेंचुरी। These sanctuaries are situated in which state? केंद्र ने नौरा देही अभ्यारण को दुर्गावती अभ्यारण में विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह अभ्यारण किस राज्य में स्थित है? सिंपल है, इन्हीं दोनों को तो मर्ज करके हमें क्या बनाना है, जो नया टाइगर रिजर्व बनेगा वो इन्हीं दोनों सेंचुरीज को मर्ज करके नया टाइगर रिजर्व बनेगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपके यहाँ पर बन जाएगा, राइट? तो सही जवाब आपके यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर हियर। क्लियर है सभी को? हाँ, रूरल 10 MCQs का डिस्कशन आपके यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर इलेवन ये मैं आपको होमवर्क के तौर पर देकर जा रहा हूँ, नहीं चलो इसका भी आंसर कर डिस्कशन कर ही लेते हैं फटाफट से, रिवीजन ही हो जाएगा। हु हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू अज्यूम द रोल ऑफ कमांडिंग ऑफिसर एट द आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर। फटाफट से आंसर, रिवीजन हो जाएगा, 5 क्वेश्चन और है, इनका रिवीजन कर लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? सुनीता बीएस को अभी रिसेंटली फर्स्ट वुमेन आपके यहां पर बनी है जिन्होंने कमांडिंग ऑफिसर एट द आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर में इन्होंने अपने पदभार को ग्रहण किया है, ठीक है। अंकोर वाट टेम्पल इज डिक्लेयर्ड द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। ये कहां पर, किस देश में आपका लोकेटेड है अंकोर वाट टेम्पल? तो अंकोर वाट टेम्पल लोकेटेड है आपका कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियाज प्रीमियर एयरलाइन हैज इंट्रोड्यूस द 6E स्काई एंड AI पावर्ड चैट असिस्टेंट crafted to handle the customer inquiries in the various languages. तो इसे आपके यहाँ पर लॉन्च किया है इंडिगो एयरलाइंस ने, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना सभी लोग, कि मरियम बेब्स्टर के द्वारा किस शब्द को 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 और अगला क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2।
इन दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में सभी लोग दे दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए सेशन में इतना ही, और जो साउंड का इशू है इसको मैं रिजोल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा, और अभी मैं होम टाउन पर हूं लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि यहां पर जो माइक का इशू है उसे हम लोग रिजोल्व करें एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा है, क्लास बहुत अच्छी है, लेकिन साउंड इशू की वजह से बहुत इरिटेटिंग होता होगा, आई नो वेरी वेल। तो मैं ट्राई करूंगा कि ये समस्या आपकी जल्द से जल्द सुलझ जाए, ठीक है। 1 PM पर आपका एम्बाइव एप्लीकेशन पर सेशन होगा, और 1 PM पर एम्बाइव एप्लीकेशन का जो सेशन आपका यहाँ पर होगा, इसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर लीजिएगा। सभी लोग मेंस एग्जाम कैटेगरी में जाकर क्लास को रजिस्टर कर लीजिएगा। मंथली करंट अफेयर्स हम लोग अक्टूबर मंथ पार्ट 4 का डिस्कशन करेंगे, देन इसके बाद दोपहर में 3 बजे हम लोग डिफेंस एक्सरसाइजेज और डिफेंस से रिलेटेड न्यूज MCQs का डिस्कशन करेंगे दोपहर 3 बजे। आज के लिए सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच एंड कीप एम्बाइविंग बिकॉज एम्बाइविंग इज बेटर देन लर्निंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप एम्बाइविंग, वी बिलीव इन यू।